सिंध हुकूमत का एक और मेगा मुबैना स्कैंडल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को मुरासला लिख दिया। जामशोरों की सरकारी जमीन पर जाली एंट्रीज मंसूख करने की दरख्वास्त की गई है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, मेगा मुबैना स्कैंडल की क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत का ये इंतहाई अहम करप्शन का मुबैना स्कैंडल है जिसमें कमोबेश सिंध हुकूमत की को जो है वो 20 अरब रुपए का नुकसान होगा। 2022 एकड़ जो सरकारी जमीन है वो मुबैना तौर पर जालसाजी के जरिए जो जाली रिकॉर्ड बनाकर अलाट की गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सिंध हुकूमत को खत लिखा है और कहा है कि डिप्टी कमिश्नर जामशोरो मुख्तियारकार जामशोरो ने 2022 एकड़ जो जमीन है वो जाली उनकी एंट्री की है। हालांकि वो सरकारी रिकॉर्ड में सरकार की मिल्कियत है। महकमा जो मेंबर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उनसे जब जवाब तलब किया गया है 2 माह गुजरने के बावजूद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और जो जाली खाते हैं वो उनको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के खत में ये लिखा गया है कि मुबैना तौर पर सियासी शख्सियात और चंद बासर अफराद का आशीर्वाद हासिल है। सुपर हाईवे पर एक निजी हाउसिंग सोसाइटी बनाई जा रही है जिससे सिंध हुकूमत को 20 अरब का नुकसान होगा कौमी खजाने को।